पौराणिक कथा के अनुसार सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। चार वेद, छह शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें भलीभांति ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम उन्होंने श्यामबाला रखा। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के महल में रहे, इससे राजा को दोगुनी धन दौलत की प्राप्ति हो जाएगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर लक्ष्मी रहेगी तो वह उसे स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया, हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंच गई। हालांकि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर देवी का सा तेज विद्यमान था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, कर्म, धर्म सब कुछ पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करके माँ लक्ष्मी जी कहने लगी, बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उनके घर में झगड़े हुआ करते थे और उसका पति रोज उसे मारा करता था। इन बातों से तंग आकर एक दिन वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाले श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म अब राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने ही मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में उस बूढ़ी ब्राह्मणी से पूछा। तब बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माँ ने दासी को पूजा की संपूर्ण विधि और महिमा बताई। इसके बाद दासी ने माता को प्रणाम किया और वह रानी को बताने महल के अंदर चली गई। उधर राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह रानी आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर ही बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि साक्षात श्री महालक्ष्मी माँ बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस प्रकार रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहाँ से तुरंत चल पड़ी। रास्ते में उन्हें रानी की पुत्री राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने सुना तो अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी से अपनी माता के लिए क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी को राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को फिर श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का यानी अगहन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र राजकुमार मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में बड़े आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ, जिसके कारण राजा भद्रश्रवा का संपूर्ण राज्य और राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हे राजन, हमारा दामाद तो इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए, उसे अपना हाल बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। रानी की बात सुनकर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास जाने के लिए तैयार हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा
उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा। जब उन्हें ये पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने अपनी रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से अपने पिता का स्वागत और सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस अपने महल में लौटे तो उन्हें देखकर रानी सुरत चंद्रिका बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे ही उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले भरे हुए थे, और यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इसी प्रकार दुर्दशा में उनके कई और दिन बीत गए। इस बार रानी खुद अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपने राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। वह फिर से सुख शांति और आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर आई देखकर सुरत चंद्रिका को पुरानी पिछली बातें याद आ गई। वह सोचने लगी कि जब उनकी दुर्दशा हुई थी तो कैसे उनकी पुत्री ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और कोई मदद ही नहीं की थी। तब जैसे ही श्यामबाला अपने पिता के घर में आई, उसका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि उसका अपमान किया गया और उसने इस बात का बुरा भी नहीं माना। लेकिन अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूं। पति ने पूछा, भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। फिर उस दिन श्यामबाला ने कई तरह के भोजन बनवाए और उसमें नमक नहीं डाला। बिना नमक का भोजन उसने अपने पति के सामने परोसा। जब पति ने भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए उसे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में अपने पिता के यहाँ से लाया हुआ नमक डाला, जिससे भोजन में स्वाद आने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहते हैं कि इसी तरह जो कोई भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माँ लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। सुख संपत्ति और शांति की प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु ये सब कुछ प्राप्त होने पर भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा को भूलना नहीं चाहिए और हर गुरुवार को व्रत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती है। अब सुनिए अगहन मास की माँ लक्ष्मी जी की दूसरी पौराणिक कथा। एक गांव में एक बार एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक दिन भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उस ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने ही घर में होने की इच्छा प्रकट की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग उसे बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है, तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे देना, वही देवी लक्ष्मी है। साथ ही विष्णु भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि जब धन की देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी, तब तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन वह ब्राह्मण सुबह ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। तब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे घर चलूंगी, लेकिन इसके पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। तुम मार्गशीर्ष महीने के हर गुरुवार को मेरा व्रत और पूजन सच्चे मन से करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़ना और सुनना, तब मैं तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण अवश्य करूंगी। तब ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पुकारा, जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने उस ब्राह्मण के घर में धन धान और सुख संपत्ति के भंडार भर दिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण अंत समय में वैकुंठ लोक को गया।
प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय। हे लक्ष्मी माता, इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन के भंडार भरना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।